दंडात वंदनायक बार सर्व कला समराथ गोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ जाहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम मन दुआ दस गुरिंद को मेरी है परमा है सर्व कला समरथ सदा जिसदा सभी ऊपर हाथ सदा हाजर हर दम हर वथ सदा जिस दे सब जीव जिस दे सब जीव पिखारीए उसनु प्रणाम हमारीए जिसका ना पारावार कोई नहीं याद अंत विचकार कोई ना चक्र ना चेन आकार कोई ना मात पिता सोत ना मात पिता सुत नारी ये उसनो पर नाम हमारी सच खंड अखंड ग्रां जी दा सच चेते आनंद है ना जी दा ऊचे तो ऊंचा थां जी दा जिस नीचे सब दरबारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए जिस दा फुरना सवकार करे उत्पत पालन संघार करे एक क्षण में टाव सार करे जिस खेल अजीब खलारी ए उसनो पर नाम हमारी ए जिस लाख आकाश पताल रचे अग्नि ते पवना ताल रचे चन तारे सूर कमाल रचे वा कीती चित्र कारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए रचना भी ढंग कमाल दए आंडे विच पंछी पाल दए ते माद गर्भ विच बाल दए जे सिरजी खानी चारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए जो वड्डा दतार कहौंदा ए जल थल मेरी जिक पचौंदा ए ना किसे दा डंग अकौंदा ए जो आप खुट पंडारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए जो फूल में बास बसाया ए काष्ट में अग्न छपाया ए ज्यो दूध में किरत समाया ए यों रविया विच संसारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए जो पैंद सच पोशाक सदा ते प्यार है जिसदा वाक सदा वेखण तो रहिंदा है पाक सदा ना कौन मोन जट तारीए उसनु प्रणाम हमारीए नहीं वासी महजल मंदर दा ना गुफा तपो बन कंदर दा है मैरम मानुख अंदर दा शुद्ध खिरदा जी दी अटारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए जिसनु पाले शिव पार्वती विष्णु ब्रह्मा नहीं पाई गति मूसा ना चली चल करती लख कोटन कोट उजारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए वलियां तो वलिया जांदा नहीं छलियां तो छलिया जांदा नहीं बलिया तो ठलिया जांदा नहीं जो आप अजित खड़ारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए लगदा नहीं पेखी पारिया नू सुनदा नहीं उच्चिया नारिया नू थम पाड़ के मिले प्यारिया नू कर दोखी दुष्ट संघारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए सब भटकी फिरे लुकाई ए जीवन दी सार न पाई ए मैं मेरी जिने गवाई ए उस दे नाल जिस दी यारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए उसनु प्रणाम हमारी ए सतगुरु जी दे पवित्र पावन दरबार दियां हाजरियां भरदे होए परम सन्मान योग सतसंगियो अपनी अपनी रचना पवित्र करिए सारे ही गज के कवार आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज। साढ़े तो पहला जथेदार साहब जथेदार सेवा सिंह जी जिन्हां दे नाल बचपन तो लैके
ते असी हुण तक जिंदगी अड़ाई है, बड़ा प्यार है आपो विच। साडे तो बहुत देर बाद उन्हें कीर्तन आरंभ किया है, ते ओ कारोबार करदे भी, उन्होंने इन्नी तरक्की की है कीर्तन विच कि चोटी के प्रचारकों विचों गिने जाते हैं। अज उन्होंने बड़ा सोहना प्रकरण दसिया है, लड़ाई दसी है भाई, मोह ते विवेक की लड़ाई की है, मोह राजे दियां फौजां केड़ियां, विवेक दियां फौजां केड़ियां। प्रभोर चंद्र नाटक एक ग्रंथ है जिदे विच बड़े विस्थार नाले लड़ाई दसी गई है। सो मैं बेनती करन लगा सा भाई संकत राह साहब जी, जिन्होंने जेड़े आप मुहारे पंसासा करन नूं उन्हां दा दिल कर आया है खुशी विच आके, ते सानू ते तुसी रोज सुनदे हो, ते उन्हां दस्सिया है भाई हुण टाइम इन्हां दा है, उन्हां दी सिफत की करिए, मतलब भी इह सिफत दे लायक ही नहीं गे। आ सिफत दा रूप ही नहीं, उन्हें यह दस्या भी सिफत दा रूप ही नहीं। सुनाओ सुनो बेनती अर्ज करन लगे हैं भाई, साडा विचार कुछ होर हुंदा है, ते स्रोते मजबूर करते ने होर कुछ सुनने वास्ते, स्रोतियां दी सानू मननी पैंदी है। अज का प्रोग्राम जड़ा है वह इदा है भाई, गुरबाणी विच एक शब्द आउंदा है, हर की गत ना कोई जाने, जोगी जती तपी पच हारे, अर बहु लोग सियाने, छिनमे राओ रंक को टाकारी, राओ रंक कर डारे, रीते भरे भरे सुखनावे, ये ताको व्यवहार, अपनी माया आप पसारी, आपे वेखण हारा, नाना रूप धरे बो रंगी, सब तेरे निरारा, अगणत अपार अलख निरंजन, जे सब जग परमायो, सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहे चित लायो। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नवे पातशाह कहिंदे ने परमेश्वर करदा की है, परमेश्वर की करनी दसी है, परमेश्वर की करता है, परमेश्वर शक्ति है भी वह राज तखत दे मालक नूं एक इशारे नाल ही गलियां दा मंगता बना देवे, ते गलियां दे मंगते नूं राज तखत बख्श देवे, ये परमेश्वर का काम है। इहदे उत्ते मैं अज दा इतिहास तुहाडे सामने अर्ज करन लगा है। लाहौर दे राज महलां विच महाराजे रणजीत सिंह दी अंतम विहोड़ महाराणी जिंद कौरां अपने महल विच बैठी कुछ सोचदी है, सोचदी है मना अंग्रेज मेरे पुत्र दा राज भाग हड़प करन लगा है, उन्हूं बचाउण दा यतन की है मेरे कोल, मैं इकली हां, साडे जिहड़े दरबारी ने लाहौर राज दे उह सारे अंग्रेज ने खरीद लिया, उहदे पक्ष च ने, ते 10 साल दा मेरा मासूम बच्चा है जिहड़ा राज तख्त दा मालक है, 40 साल दी उम्र दी महाराणी जिंद कौर है जिहदा 70 साल दा बिरध पले गुजर गया है, जवान अवस्था दी स्त्री जिहड़ी है ये किसे बिरध नाल व्याही जाए, भावें उन्हूं सारे मायक सुख मिल जाण, पर उन्हूं रंडेपा पिछली उम्र च जरूर कटना पैंदा है, ये बिपता उहदे ते जरूर आउंदी है। ये आपदे रंडेपे दे दिनां विच पुत्तर दे राज भाग बचाउण वास्ते सोचदी है, सारी रात
इन्हे सोचा विच लंघा दिती जाग के। दिन चढ़िया, इहदा भरा छोटा हीरा सिंह आया, वह कहिंदा भैन जी खालसा दरबार ते हैनरी लरंस ने एक सुनिया दिता है जिहड़ा मैं तुहानू देण आया। महाराणी जिंदा ने वीर वल तकिया, तुहाडे वास्ते खालसा दरबार का हुक्म है भई तुसीं लाहौर नहीं रह सकते, तुसीं खालसा राज दे उल्ट पुल्ट गल्लां करदे हो, इस करके तुहानू पता नहीं भेजिया कित्थे जाना है, ते तैयारी कर लो। महाराणी जिंदा दा दिमाग चकरा गया, कहिंदी है वीर कोई सोच ते सही, मेरा पुत्र नाबालग बच्चा है, वह राज तखत का मालिक है, ते वह नाबालग होण करके मैं पुत्र दी सरबराह है, मैं पंजाब दी हुक्मरान आ, 3 करोड़ जनता दी हुक्मरान आ, पंजाब विच आ के लाहौर विच आ के मेरे ते हुक्म करने वाला कौन है। वह आंदा भैन जी तुहाडा पुत्र बराए नाम ही लाहौर दा राज तखत दा मालिक है, तुसी बराए नाम ही सरबराह जे, असल पंजाब दा हुक्मरान अंग्रेज बन गया, उहदे इशारे ते खालसा दरबार चलदा है। भैन भरा दे जवाब सवाल की होए ने, इथों आपां इतिहास आरंभ करते हैं, तो सुनो इस कविता विच। बैठी हैरान किले विच जिंदा वचार दी वेख दी कुटल नीति गोरी सरकार दी अपने भविखत उते छाती फिर मार दी आवदे नजर सबे पैड़े सार ने जाप दे लेख मथे दे दिंदे पैहार ने जाप दे लेख तत्ती दे सोचां विच बैठी दे कोल हीरा सिंह आम दा परदा दिल होके नैनो हंजू वहां दा गोरी सरकार दाया हुक्म सुनाम दा चलियां ने कलमा मथे बनके दोतारियां छड़ना लाहौर भैन जी कर ले तैयारियां छड़ना लाहौर कमलिए यादे लाहौर सुन के होई दलगीर जी कहिंदी ए हीरा सिंह नू होश कर वीर जी अल्लियां ही जख्मां उते मारे नी तीर जी चंगे वंडाए नी आ पैन दे पार ने जाप दे लेख मथे दे दिंदे पैहार ने जाप दे लेख तत्ती दे सच्ची गल कहां पैन जी एवें बरड़ांदा नहीं कैम ने होश मेरे सुपना सुनांदा नहीं होए बेवस असी हां बस कोई जांदा नहीं बुकल दे नागा ने है जहरा खलारियां छड़ना लाहौर भैन जी कर ले तैयारियां छड़ना लाहौर कमलिए मैनू समझा दे वीरा लाया किस दोष नू कैद क्यों करन लगे ने जिंदा निर्दोष नू किया नहीं मूल किसे ने गोरे मदहोश नू सच्ची गल कही न उथे किसे सरदार ने जाप दे लेख मथे दे दिंदे पैहार ने जाप दे लेख तत्ती दे कहिंदे ने देश दे अंदर पाटक तू पानियां पुठियां दलीप सिंह नू पट्टियां पढ़ानियां
फौजी सरदारां विच बगावत फैलानियां एहो जियां लाउण तोम तां हदों कई बारियां छड़ना लाहौर पैण जी कर लै तियारियां छड़ना लाहौर कमलिए मेरा पंजाब मालक इस दे मैं राज दी पुत्र दलीप सिंह दे तख्त ते ताज दी करसी ओ लंघना केड़ा मेरी आवाज दी मेरे तो बाज केड़ी होर सरकार ने पर जाप दे लेख मथे दे देंदे पैहार ने जाप दे लेख तत्ती दे छड़ दे पुलेखे पैना समा हथ तो गया जिस दिन बरूद बनके सरसों खलो गया जिस दिन सरदार शाम सिंह जिंदड़ी नू खो गया रुड़ियां ब्यासा दे विच तेरियां सिकदारियां छड़ना लाहौर पैण जी कर लै तियारियां छड़ना लाहौर कमलिए छेती लिया दे मैनू मेरा दलीप वे जिंदगी दा थम मेरे नैना दा दीप वे जावांगी जिथे भी मैं रखू समीप वे दिसणगे नाल उस दे वस दे बजार ने जाप दे लेख मथे दे देंदे पैहार ने जाप दे लेख तत्ती दे ओ सखत है आडर सकदी ग्रस नहीं दलीप नू रख के ते कोल सकदी बस नहीं दलीप नू दिल दी गल खोल के सकदी दस नहीं दलीप नू मन दे विच ले जा रीजां सांभ के सारियां छड़ना लाहौर पैण जी कर लै तियारियां छड़ना लाहौर कमलिए सुन दे ही सार जिंदा डिगी गश खा के ते गोरे दे दूत उस थां पहुंच गए आके ते लै गए बेहोश पई नू पालकी पाके ते पैगे ने बंद होके किले चो बार ने जाप दे लेख मथे दे देंदे पैहार ने जाप दे लेख तत्ती दे आई जा होश वेख दी होर अस्थान है गोली ना बंदी ना कोई शाही समान है जकड़ी जंजीरां दे विच जिंदा दी जान है जीवन सिंह रोई राणी पुब्बा सो मारियां छड़ना लाहौर पैण जी कर लै तियारियां छड़ना लाहौर कमलिए भैन ते भरा दे बहुत सारे जवाब सवाल होए ते जदों भरा ने यकीन करा दिता भैन नूं भई पंजाब दी हुकमरान तू नहीं रही अंग्रेज आ उन्हें एक सवाल किया भरा ते भई कल लौडे वेले मेरे कोलों मेरे पुत्र नूं दलीप नूं हैनरी लरंस ते सरदार गुलाब सिंह अटारी वाला छकार दे बहाने लै गए ने छकार दे बहाने ओ घर नहीं आया शाम नू ओदी अडीक विच ही सारी रात में जाग के बतीत कीती है दिन चढ़िया है ते आ सुना मिल गया है जिथे भी मेरा पुत्र है ओनू लिया दे मैं अपने मासूम बच्चे नू गल नाल ला के आजाद उजाड़ विच ही जिंदगी दे दिन बतीत कर लवांगी हीरा सिंह दी अखां विचों मोटे मोटे हंजू डिग पए
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਸੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਲਕੀ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਰਸ਼ੋਂ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਤਾ ਲਾਹੌਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੈ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਜ ਲਾ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਲੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੈ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਖਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਦੇ ਅੱਥਰ ਪੂੰਜ ਜਾਣੀ, ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਵਰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਹੇਗੀ ਵਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੀ ਪੁੱਛਣੀ ਬਾਤ ਤੇਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਦਰਦਾ ਵੰਡਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੁਲਸੇ ਇੱਕ ਦਰ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੋਈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਜਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਹੋਸ਼ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪਈ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਤਰਲੇ ਲਏ, ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਮੰਗਵਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਪੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪਈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਭਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੁਨੇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ 48,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛਾਮੋ ਤੇ ਗੋਮਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਨਾਰਸ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਛਾਮੋ
गोमती चुनार दा ओ किला है जिस किले विच आया होया सियासी कैदी कैदी कोई जिउंदा बाहर नहीं निकलिया। ए मेरे मार देण दी थां है, जे तुसी मेरी इमदाद करो ते मैं इस किले विचों नस जावां, मैं लाहौर जाके अपने पुत्र दा दर्शन कर लवां, फिर भावें किसे मुल्क ते मर जावां मैनू मरन दा डर कोई नहीं। गोली क्या महाराणी जी, असी जान तक कुर्बान करन नू तैयार हां, तुसी हुक्म करो असी की करिए। महाराणी जिंद कौरां ने प्रोग्राम बनाया, गोलियां नू दसिया, गोमती गोली उस इलाके दी जम पल सी, उहदे कोलों रस्ता कागज ते नोट कीता, उहनू किसे ढंग नाल किले चों कढ दित्ता। गोमती दे जान तो तीसरे दिन बाद महाराणी जिंद कौरां रात दे 2 बजे अपनों पलंग तों उठी, छामो गोली नू फर्श ते पई नू जगाया, छामो उठ, महाराणी जी हुक्म करो मैं की करां। छामो तू मेरे गहने ते कपड़े पा लै, मेरे वाले पलंग ते लेट जा, ते मैं तेरे कपड़े पा के पानी दे बहाने किले चो निकल सकदी हां। छामो वो गोली सी जिन्हू महाराणी जिंद कौरां पेके पिंडो ले आई सी। महाराणी जिंद कौरां जिला सियालकोट नगर चाड़ सरदार मन्ना सिंह औलख दी लड़की सी। इथे ही महाराणी जिंद कौरां ते छामो गोली जमियां पड़ियां, इकट्ठियां खेडियां, जवान होईयां, इको जिहा खादा पीता ते इको जिहा खेतां विच सैरां कीतियां। कुदरत रंग जवान उम्र च एक गोली बन गई ते एक महाराणी बन गई। कद काठ हुसन कुदरत ने दोवां नूं इको जिहा दित्ता सी। जिहड़ा थोड़ा जिहा फर्क सी महाराणी जिंद कौरां ते छामो दी शकल विच, ओह सी छामो दीआं अखां थले कुछ काले दाग। ओ महाराणी जिंद कौरां दीवे दी काल खिला के पूरे करदी है, छामो नूं अपने पलंग ते लटाउंदी है, उहदे नाल 2-3 गल्लां करदी है। उहनी कहिंदी है, छामो सोने दे कड़े वाली बांह नंगी रखी ताकि आए संतरी नूं यकीन रहे भी महाराणी सुती पई है। जिन्ना चिर तैनूं इत्थों आके कोई जगाए ना, उन्ना चिर उठी ना, मैनूं दूर जाण विच सहायता मिल जाएगी। तीसरी गल, तेरे ते सख्तियां होण गईआं, किते इह ना दस बई भी जिंद कौरां किधर गई है। छामो दीआं अखां विचों तरप तरप हंजू वग पए। महाराणी जी, मैं बड़ा मन तकड़ा करके बैठी सां, तुहाड़े जाण दे वेले रो के बदशगनी नहीं सां करना चाहुंदी, पर हुण रोणा मेरे वस दी गल नहीं रही। तुसी मेरे ते इन्ना वी नहीं यकीन करदे, छामो नू जमीन च गड के कुत्तियां तो तुड़वाया जाए, छामो दा बंद बंद कटिया जाए, पुठिया टंग के खल लाई जाए, छामो दी जबानों कदे ना निकलेगा मेरी प्यारी महाराणी किधर गई आ, जाओ तुहानू सतगुरु कामयाबी बख्शी। महाराणी जिंद कौरां किले चो लिखदी छामो ने चार गल्लां करके सुनो। इस कर जिंदा दा देश नकाला, अगला कुछ कहां हवाला, अद्धियों जा टल गई रहनी, दुखियां दे नींद नी नैनी, चूना चून के शामो नू जगाव दी पई भेस तबा, दिल करके नस जावना किले दे विचों चाव दी हुण भेस तबा। सोमन हो उठी गोली, वारी मैं जावा कोली, लगी है बहुत उदासी, हाजर है हर दम दासी, जेड़ी गल पिछे पार दे हावे जी आसा सबे, हुण पूरियां ते माता पुत्र दा मेल हो जावे जी आसा सबे। हो चार गुमारी छेती कर ले तैयारी, पुत्र दा लीप दी खातर होया दिल मेरा यात्रा, मैनू बीर हो दिया गाना जलावदी पई भेस तबा,
दिल करके नस जावना किले दे विचों चावदी हुण भेस तवा दसो की टिल है मेरी बेशक ना लावो देरी मैनू जो कहो मैं करसा पिछे ना कदम तरसा पावे कितनी मुसीबत आवे जी अस सबे हुण पूरियां ते माता पुत्र दा मेल हो जावे जी अस सबे मनो मजबूत बना लै कपड़े लै मेरे पा लै आप दे ला दे मैनू दसाए टंग मैं तैनू होरा जुगती निराथ कोई आवंदी पई भेस तवा दिल करके नस जावना किले दे विचों चावंदी पई भेस तवा नहीं मेरा कोई ए ते है गलण होई दासी बन जावे रानी ते रानी हो जाए नमाणी होनी ही उल्टे ही चक्कर च लावे जी आसा सबे हुण पूरियां ते माता पुत्र दा मेल हो जावे जी आसा सबे शमो जे आउना करिए ये दाजे करनो डरिए रह जूगा काम अधूरा फेर नहीं होना पूरा चाल गोरिया दी बुरी गद सावदी पई भेस तवा दिल करके नस जावना किले दे विचों चावदी हुण भेस तवा गली में टाइम खंजाओ छेती नाल बस्तर लाओ आलो मैं दया तुहानू करनी हुण देरी कानू कर लईए दूर दे तावे जी अस सबे हुण पूरियां ते माता पुत्र दा मेल हो जावे जी अस सबे हुण पूरियां ते माता पुत्र दा मेल हो जावे जी अस सबे ते बस्तर सारे रानी ने तुरतो तारे गोली दियां पाके लीरा कीता सू भेस फकीरा फिर दासी ताई आपाने पुआवंदी ए भेस तवा दिल करके नस जावना किले दे विचों चावंदी पई भेस तवा समें ने रंग वटाया गोली शिंगार लगाया सोनी पोशाक सजा के रानी नू सीस नवा के अख उत्ते पलंग दे लावे जी अस सबे हुण पूरियां ते माता पुत्र दा मेल हो जावे जी अस सबे देणगे दुख कनेरे ते पुछणगे पाते मेरे रखी दिल डाडा करके दस ना देवी डर के रवी दिल विच भेद छुपावंदी पई भेस तवा दिल करके नस जावना किले दे विचों चावंदी हुण भेस तवा सबे चिंता सारी शाम है सदा तुम्हारी जिंदड़ी नू वार देंगी ऐ परना सार देंगी शीस नाल निबणगे दावे जी अस सबे हुण पूरियां ते माता पुत्र दा मेल हो जावे जी अस सबे मिल गया दलीप जे मेरा मिल गया दलीप जे मेरा किस्मत ने पाया फेरा पर दूं भंडार मैं तेरे कुदरत जे करे अगेरे लै होना दे दे असीस मैं जावंदी पई भेस तवा दिल करके नस जावना किले दे विचों चावंदी पई भेस तवा जीवन सिंह कह सुना के गागर नू तुरी उठा के पानी दा ला बहाना रखिया कुछ होर निशाना पहले दार नाल गोया टकावे जी अस सबे हुण पूरियां ते माता पुत्र दा मेल हो जावे जी अस सबे मां राणी जिंद कौरां ने छामो गोली दे कपड़े पाए वाल खलार के अणवाहे कर ले खाली गागर ढाक ते लाई छामो दी ठिब्बी जुत्ती पैरी पाई ते जेड़े छामो दियां अखां थले काले दाग सी ओ मां राणी जिंद कौरां ने दीवे दी काल खला के पूरे कर ले
किले दे वड्डे दरवाजे वल गई। संती ने आवाज दिती, कौन है? इन कहा, मैं महाराणी जिंद कौर की गोली छामू है। तू रात दे 2 बजे कित्थे चली है? कहिंदी है, मैं रोज ही रात दे 2 बजे गंगा दे घाट तो पानी लैन जानी हां महाराणी दे इशनान वास्ते। संतरी ने लंप चुकी, सिर तो पैरां तक उहदे वल वेख्या। अज वर्गा लाइट का इंतजाम नहीं सी, उदों लंपां ही हुंदियां सन। संतरी नूं शक कोई ना पिया, उहने दरवाजे की छोटी बारी लाई ते बाहर लंघा दित्ता। महाराणी जिंद कौरां 10 करमां काली काली तुरी गई। उत्थे खलो के अवार्ड ली, सब अच्छा दी आवाज आई। इन्हें सिर दे दुपट्टे नाल लक बदा, 1 मील गंगा ते घाट ते गई, खाली गागर धर दिती, छामो दी ठिबी जुती गागर कोल ला दिती, एक वाधू धोती जिहड़ी कोल सी ओह गागे कोल धर दिती। भई मना, जे कोई चंडाऊ पिछों आएगा ए सोच के मुड़ जाएगा भी नहाउण लगी डुब के मर गई होनी है। अगले रस्ते पई, रस्ता उजाड़दा सी, ओपरी थां सी, रात दा समां सी। एक बार मन घबराया, भई जिंद कौरां तू गलती कीती है, उजाड़ है, रात दे 2 बजे कली क्यों निकली है? जे तेरी कोई इज्जत नूं हथ पावे जां कोई चोर डाकू ठग तेनू मिल पाए फेर की करेंगी? कोई जंगली जानवर ही भक्षण करन वाले मिल पे ते फेर की करेंगी? पर जदों इंसान दा साथी कोई नहीं हुंदा, उदों धार्मिक निशाने वाला बंदा अपने गुरु दे इतिहास दा आसरा लैंदा है। महाराणी जिंद कौरां ने उस इतिहास दा आसरा लिया जदों साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह चमकौर दी गढ़ी विचों साहिबजादे शहीद करा के त्योही रात दे 2 बजे ही निकले सन। रात दे 2 बजे ही उस इतिहास विच सुरती फेरी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह चमकौर दी गढ़ी चों निकलन लगे है, छोटे दरवाजे निकले है, इहदा जंदरा तोड़न लगा दया सिंह, उहदे कोलों टुट्टा नहीं। साहिब कहिंदे ने, दया सिंह तेरे कोलों जंदरा नहीं टुटना, तू पिछे हट जा, पातशाह लंघांगे किधर दी, फिर लंघन दा भी सोच लांगे, पिछे हट के मेरी गल सुन। पिछे हटिया, गुरु साहिबां ने अपने चरणा दा जोड़ा ला दिता। उन्हां नूं कहण लगे, जोड़े ला दिओ। दया सिंह कहिंदा, पातशाह बेट दा इलाका है, पोह दीआं रातां ने, तुरांगे किहड़े ढंग नाल? दया सिंह, तैनूं तुरन दा फिकर आ ते मैनूं इस धरती दी पवित्रता दा फिकर है। इत्थे मेरे प्राणा तो प्यारे सिख शहीद होए ने, इत्थे मेरे जिगर दे टोटे साहिबजादियां दा खून डुला है, यह धरती पूजनीक पवित्र है, इत्थे जुत्ती वाला पैर नहीं धरना। जोड़े लवा दिते, आपदा लाया, जंदरे नूं सज्जे चरण दा अंगूठा छुआया, वह डिग पिया थले, दरवाजा खोलिया, जकारा छड्डिया, ताड़ी मारी, आवाज दिती, गोबिंद सिंह जा रहा है। दुश्मन दल विच हलचल मची, ते उन्हां ने मसालां जगाईयां, गुरु साहिबां ने खपरे तीर मार के कट दित्तियां। अंधेरी रात है, लाशां नाल मैदान अटिया होया है, लहू मिज दा घमसान होया होया है, लाशां दे ठेडे खांदे, लहू मिज दे घमसान चों तिलकदे ए निकले ने फौज चों बाहर। ते इत्थे 3 सिख एक पासे विछड़ गए, जिहड़े साथी सन ते गुरु साहिब कल्ले रह गए। 8 को पैणा बलोलपुर गए, ये सारा पिंड मुसलमाना राजपूतां दा सी, 8 घर हिंदुआं दे। इन्हां नूं साहिब आखण लगे, मैनूं कोई लुकण जोगी थां दिओ, हिंदुआं नूं कहा, ते शाम नूं मैं अगे टरक जांगा, मेरे मगर शाही दल लगा होया। उह कहिंदे, जी सलाह कर लईए। सलाह करके उह कहिंदे ने, अज ते साडे घर लोके बज जाओगे ते कल कित्थे लोगोगे? तुसीं उह हुकूमत दे सब तों वड्डे बागी, तुहानू पनाह देण वाले दी खैर नहीं, इस करके साडे कोल थां नहीं तुहाडे लोकां जोगा। 1 मील पिंडों बाहर बड़ी संघनी एक चंगी सी झाड़ियां दी, गुरु साहिब नंगे पैरी उत्थे गए, उस चंगी विच वड़े। इस चंगी दे विच ही
कंडे वज के चरणा विचों पार निकले है। इथे झाड़िया नाल अड़ अड़ के ते सारा गल वाला चोगा जेड़ा सी वो लीरा लीरा हो गया। सारी दिहाड़ी भुखिया धैया बतीत की है, नेरे पाए इस चंगी चो निकले है ते माछू वाड़े दे जंगल च गए ने ते इथे जाके परमेश्वर का शुक्र किवें करदे आ। सुनो इस कवि आपे हर एक रंग है आपे बोरंगी जोत सुभावे नानका साई गल चंगी। कोई हाथ लेफ चो कड़दा नहीं कैरां दा ककर पैंदा ए थर होया पानी नदियां दा अगे नू मूलन वैंदा ए एक नू सीत सताया ए अंबर दे हंजू चोंदे ने एक मानस की है बात कहां हो बिरशन माणे रोंदे ने पैर ते ठेडे लगदे ने जंगल दा पंद दुहेला ए सब इस दे रहा निराले ने ए राही एक अकेला ए हाथ पसारे दिसदा नहीं रातर ने तंबू ताने ने कोई पग डंडीरा खेड़ा नहीं अज मोड़े किधर मुहाने ने तख्त ताज ते बार किथे किथे परसादी हाथी ए अजीत किथे जोजार किथे किथे ओ संगी साथी ए माते छोटे लाले हुण होना फेर न मेला एला पार सीस तो तुर आया ए राही एक अकेला ए गान कलगी तोड़ा ए दिसदा न सब जा कोड़ा ए कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा सब होके थोड़ा थोड़ा ए नाल अड़के चोगा भी सब लीरा लीरा होया ए है फुल गुलाबी सोल जया सूला ने बदन परोया ए जनू दे के तुरिया तन माल जो पैसा तेला ए रफ्तार समे दी दस दी ए राही एक अकेला ए कवल सुरीखे चरणा नू द्योते भी छोना चाहते सी वड्डे राजे महाराजे भी आया के सी सचकाउंदे सी रेशम दे विच लपेटे जो हर वेले हरदम रहिंदे सी सेवा कई सेवक करदे सी जां जरा थकावट कहिंदे सी नाल परोते सोणा दे वा तेरी कुदरत खेला ए फिर विचर जा दे राजी ए राही एक अकेला ए सी वांग फकीरां दे सुनू जे यार जमाने ने कौडी तो खोटे हीरे ने फिर कमन किसे खजाने ने इस वजोगी होना सी की लोड़ सी फेर संजोगां दी क्यों लिखे संजोग विधाता ने वह जांदी कलम वजोगां दी पाके जे फिर ना सी होवल बेला ए सड़ जान दशाले रेशम दे ए राही एक अकेला ए च मुसीबत हसदा ए दिल इस दा असल फलादी ए हर कीमत तो मनजूरे नु सौदे विच लई आजादी ए हक्का टुटा मानदा ए एक बिरश दे थले आया ए रख टीम सराने लेट गया काही दा लेफ विछाया ए अपने उस यार प्यारे दी ओ रंगण विच रंगेला ए हुण गीत प्रभु दे गाउण लगा ए राही एक अकेला ए सादा मित्र प्यारे नू जा हाल फकीरां दा कहना ए तुद बिन रोग रजाइयां दा उड़न नागन वासां दे रहना ए मूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना ए यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पटखेड़ियां दा रहना ए मंजल इश्क हकीकी दी इको लिया दुख सुखेला ए कोई इस दा सानी होर नहीं ए राही एक अकेला ए है कुदरत राणी दा ए तीन लोक दा वाली ए ब्रह्मा ते विष्णु शिवजी जो इस दे दर खड़े सवाली ए है मालक पाए दा फिर नर लीला प्या करदा ए प्या आप मुसीबत जरदा ए दुखियां दे दुखड़े हरदा ए जीवन जी दा
पूरन पूरन पुरखरिया ए राही एक अकेला ए फेर के महाराणी जिंद कौरा ने अपने मन नू कायम किया। अठ को पेंडा एक करके ते दिन चढ़दे नू रामपुर दे पतन ते गई। सूर्य चढ़न तो पहला ही बेड़ी दे पहले पूर विच बह के ते पार हो गई। अगला सफर जेड़ा है वह है 3.5 मील रामपुरे ने जाना है। पर शरीर का हालत किदां दी हो गई है, जिंदगी च पहला दिन है सफर किया है वह भी इकली ने ते नंगी पैरी। पैरां थले छाले पै के फिस गया, खून वगदा है। कंडे पैरां च वज के दुसार पार लंघ गए ने। थकावट नाल लत्तां चूर हो गईआं, सिर नूं चक्कर आउंदे ने। पर सफर कीतियां तो बगैर सरदा नहीं। 10-15 करमां बड़ी मुश्किल नाल तुरदी है, फिर बह के लत्तां कुट लैंदी है। 3.5 मील सफर सवेर तो लैके भुखी त्याई ने 4 बजे खत्म कीता। इन्हें जेब चो एक कागज कट के उदे अखर पड़े, वह कागज लीरा लीरा करके सुट दिता। ए रामपुर दे दखन दे पासे एक वड्डे सारे मंदिर दे दरवाजे विच जा खलोती। गोमती गोली इथे फकीर नहीं बन के एक थड़े ते बैठी हुई सी। उन्हें आई महाराणी वेख लिया, छेती नाल उठी। ए महाराणी जिंद कौरा इस ढंग नाल रामपुर पहुंचदी है। सुनो इस कविता। ए जी गोरिया दी कैद चो फरार हो तुरी, पिंजरे नू तोड़ के उडार हो तुरी। रोकिया नी संतरी किले चुनार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। अंधेर जाल सी पसारिया, चारों ही तरफ हो अंधियारिया। सुते पैने जीव जंत संसार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। अकेली ना कोई संग साथिया, पालकी हमारी बग्गियां न राथिया। रस्ते नजारे आउंदे नहीं अगार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। इसने न लाया पैर सी पलंग तो, घरों नी सी निकली बगैर संग तो। पै गए अज कूंज नू विछोड़े डार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। करनी शिकारियां तो नसी जाउंदी, झाड़ां बेले अज जिंदड़ी छपाउंदी। कालिया कमाउंदे शेर पुब्बां मार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। ढैंदी है अगेर तां दी, गंगा दे किनारे उत्ते पहुंच जावंदी। उपदे ने पाप जिथे नार नार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। धोती कोल रख गागरा टकावंदी, जुत्ती लाग पैर नाग नसदावंदी। भगवाना कष्ट निवार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। ढंडाऊए समाज बात नो, लगी सी करन इशनान रात नो। चुप के मरिए विच मंज तार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। जड़ा ते रस्ता नी लभदा, साथ ना संदेही आसरा है रब दा। जग वैरी बिरश पुकार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। ढैंदी है अगेर तावंदी, रामपुर पत्तना ते पुज जावंदी। बन गए सो ढंग पहले पूर पार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। गोमती नू मिली मंदर च जाए के, तोड़ दी थकेवें छाती नाल लाए के। दोए दिल शुक्र गुजार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। तीनू राणी आग के सुना लिया, काल जाग मारा खुदिया ने खा लिया। जीवन जियार करिए हार दे, होंदे न्यारे रंग हुण हार दे। गोमती अपनी मां राणी दरवाजे विच जा मिली, गलवकड़ी पा के मिली है। जिंदगी च पहला दिन है अपनी मालकानी नू सिर नहीं चुकाया। भाया मना मैं सिर चुकाया, वेखण वालियां नू छक पै जाएगा भी ये गोली है ते ओ मालकानी है। जान नू खतरा है,
ਥੜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਮਤੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਇੱਕ ਪੱਤਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੰਗਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓ। ਗੋਮਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਮਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਮਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਰੱਬ ਤਰਸੀ ਇੱਕ ਪੱਤਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਲ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤਲ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਅਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਗੋਮਤੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਕੀਰਨੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ। ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ ਅਗੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਨ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪਾਣਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਏ ਮੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾਂ। ਸਿਰ ਤਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਗਏ ਫਿਰ ਦੀ ਦਰ ਦਰ ਹੋਈ ਸਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੀਰਾ, ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾ। ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਰ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਤਿੱਲਾ ਤੇ ਗੋਟਾ ਲਾ ਸੁੱਚਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਦਾ ਗੰਡਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲਮਕਣ ਲੀਰਾ, ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾ। ਤਬ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੀ ਅਟਕੀ ਮੋੜ ਜੇ ਅਟਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਟਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਤਵੰਤੀ ਤੇ ਦੁਖੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵਹੀਰਾ, ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾ। ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਗੋਲੀਆਂ ਕਈ ਸਾਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹਾਵੇ। ਪੈਰੇਦਾਰ ਖੜੇ
फड़ के नाल तुरन शमशीरां राणी पंजाबां दी मंगदी फिरदी पेस फकीरां बैठ महल्लां दे सी ओ दान लखां दा करदी जिस दे दरवाजे तो चोली कंगलियां दी भरदी लेंदी चिड़कां दर दर तो सीने विच वजन जो तीरां राणी पंजाबां दी मंगदी फिरदी पेस फकीरां ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੇ ਬਿਬਤਾ ਸੁਫਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਗਾਵੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਯਾਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇ ਮਿਲੇ ਦਲੀਪ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਖਲੀਰਾ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋਰੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਸਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ ਲਗਾਏ ਉਹ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀਰਾਂ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ ਆਪ ਵੰਡਾ ਲੈ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦਮਯੰਤੀ ਦੀ ਪੜਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਊ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਾਂ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਰਦੇ ਗੋਰੇ ਕੀ ਹਥਿਆਰੇ ਜੋ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਤਦਬੀਰਾਂ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਈਆਂ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਛਾਮੋਂ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਛਾਮੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਪਣਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਟਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਆ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਛਾਮੋਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਭਈ ਛਾਮੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਤਾਲ ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਖਲੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਮਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੋਮਤੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੋਮਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਵਾਂ 1,44,000 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੇਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਫੇਰਿਆ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ
गोमती हां जी तू नेपाल का राह जाननी है महाराणी जी कुछ जाननी है कुछ पुछ पुछा के चले चलांगे पर नेपाल जाके की करांगे गोमती नेपाल का महाराजा जंग बहादुर जेड़ा है वह छोटी उम्र विच आपदे मामे दे नाल मेरे पति दे दरबार च रहा लाहौर 5 साल मेरे पति की उधेड़ दे विच कदर है जे तू मैनू उहदे कोल लै चले तो मैनू पनाह दे देगा सत बचन महाराणी जी चलिया सी लेंदे नू कुदरत नू मंजूर नहीं होया पंजाब तो होर दूर चढ़दे नू जाना पिया गुजरी राग विच श्री गुरु अर्जन देव पातशाह लिखते ने मता करे पछम के ताई पूर्व ही लै जा खिनमे थाप उथापन हारा आपन हाथ मतात सियाणप काहू कामना आत जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही सो बात चढ़ दे नू जाना पिया ए तुरदियां तुरदियां गोरखपुर आईया इथे आके महाराणी जिंद कौर नू बुखार चढ़न लग पिया इथे इन्हां नू 20 दिन अटकना पिया इक्की दिन गंधक नदी के किनारे पै के जिथों सौखे ढंग नाल नेपाल पहुंच जाइए यह नेपाल चो आ किनारे पै के नेपाल दे रस्ते पईया राह ते सौखा मिल गया है पर इथों एक सरकारी सुईया भेस बदल के भगवे कपड़े पा के इन्हां दे मगर लग पिया 2 मंजिलां थोड़ा थोड़ा पिछे रहा तीसरी मंजिल इन्हां दे नेड़े होया इन्हां नाल जबान सांझी कीती भी कित्थों आईयां जे किथे जाना है जे नेपाल जाना चाहुंदियां जे ते मैं छोटी अवस्था तो साधु हां हिंदुस्तान दी धरती दे चप्पे चप्पे दा वाकफ हां मैं सौखे ढंग नाल तुहानूं नेपाल पहुंचा देंगा। महाराणी ने उहदे वल तकिया नैणा देत बताए हित अनहित की बात गोमती इहदियां अखां च साध पुणा नहीं हैगा यह कोई पखंडी है यह कोलों सानू खतरा है गोमती घबराई महाराणी कहिंदी गोमती घबरा ना इहनूं छक पै जाएगा महाराणी जी फिर की करिए गोमती गंधक नदी दे किनारे ते महाराणी गोमती नूं लैके एक चट्टान ते बह गई इन्हां तों 7 कदम हटके वह पखंडी भी बह गया महाराणी ने जेब चो कढ़ी सोने की मुंदरी वह दिती गोमती नूं लै गोमती ते उहदे कन्न च कोई गल आख दिती गोमती लैके पखंडी कोल गई महाराज आ मुंदरी सानू राह चो लभी है वेखो ये सोने की ते नहीं जदों पखंडी ने मुंदरी वल वेख्या ते उहदे विच बड़ा कीमती नग लगा होया सी आंदा उह मना थोड़ा बहुता जिहड़ा छक सी ना वह निकल गया एडे एडे कीमती नग राजियां महाराजियां दियां मुंदरियां विच हुंदे आ ये महाराणी जिंद कौर इहनूं गिरफ्तार करा के ते हकूमत कोलों इनाम हासिल करांगा नग वल वेखदा है गोमती गोली ने जोर दी धक्का पिछों मारिया नदी दे विच पहाड़ां च जिहड़ियां नदियां वगदियां जिहड़े सज्जण गए ने उहनां नूं पता है भी कंढियां नालों किन्नियां नीवां किन्ना पानी हुंदा है इथों सी 1 मील ते घाट इन्हां नवान लाया अब्बल ते जिउंदा निकलदा नहीं नदी चों जे कोई चंगा चलाक तारू है ते 1 मील ते जाके नदी चों निकलेगा उन्हें चिर नूं असीं दूर चलियां जावांगियां इन्हां नदी दा कंढा छड्डिया जंगल च वड़ियां जंगल दे इन्हां नूं अगों राह कोई ना दित्ता ना वाकफ सन इन्हां दा नवान सच्चा निकलिया वह चंगा चलाक तारू सी वह नदी चों निकलिया जंगल ने इन्हां नूं अगों राह कोई ना दित्ता ना वाकफ सन इन्हां दा नवान सच्चा निकलिया वह चंगा चलाक तारू सी वह नदी चों निकलिया ते उन्हें टेलीफोन तारा खड़काइया पुलिस दियां गारदां चढ़ के आईया कुदरत इन्हां दी इमदाद की करदी है सुनो इस कविता।
जद जिंदा राणी सुन लिया ने पाबंद पंजाब दे लाए ने बदलिया रोख नेपाल बदलिया रोख नेपाल पहुंची गोरखपुर आजी हो तुरिया किनारे नदी दे तुरिया किनारे नदी दे करके आओदा इथों सुइया एक सरकार दा सुइया एक सरकार दा ओ मगरे लगा ता ओने भगवा बाणा ला लिया बाणा ला लिया लिया साधु भेग बना ए गावे कथा सुनातनी गावे कथा सुनातनी लिया दोहां दा मन भरमा जिया पर शक राणी नू पै गया शक राणी नू पै गया दिता गोली नू समझानी ए दुश्मन साडी जानदा दुश्मन साडी जानदा इने देना सानू फड़ा नी कोई टंग खेडिए गोलीए टंग खेडिए गोलीए इनू मगरों देइए ला नीले बह जाए चट्टान ते चट्टान ते नारे नू मिलै बिठा नी जेड़ा टंग मैं तैनू दसिया मैं तैनू दसिया ओ खेड़े दे नाल दा गोली लै सोने दी मुंदरी लै सोने दी मुंदरी दित्ती साधू ताई फड़ा कहिंदी सानू थियाई रस्त्यो सानू थियाई रस्त्यो कीमत दियो बता बेच वेख नग बेकीमता वेख नग बेकीमता खुश होया बे बहाव पिछों गोली धक्का मारिया गोली धक्का मारिया डिगा बेच नदी दे जा इनू रोड़ के भी दरिया दे विच दरिया दे पैगे अपने राह पर तारू बड़ा चलाक सी तारू बड़ा चलाक सी चट चीर गया दरिया ओने जा चढ़ाइया गारदा जा चढ़ाइया गारदा थां थां तारा नू खड़का जी ओना रस्ते रोके आन के रस्ते रोके आन के पाए जंगल दे विच दा उतों आ लथामी जोड़दा लथामी जोड़दा होया राखा बेपरवाह कहिंदा भज्जे सबे आसरे भज्जे सबे आसरे ते चुके सब असरा जिवें विच गुफा दे जांदियां विच गुफा दे जांदियां दौ जीवन सिंह सुना संग ते जीवन सिंह सुना उस जंगल नूं जिहड़े जंगल विच वड़ियां सी पुलिस दियां गारदां ने आके घेरा पा लिया जंगल की तलाशी होण लगी पुलिस दे कर्मचारियों का रौला सुन के वड्डे सारे झाड़ थले वड़ के उहदे मोढ़े नाल लग के बह गए पुलिस दे कर्मचारी अगे वधदे आउंदे इन्हां तों रह गए 15 करमा दूर ते महाराणी कहिंदी है गोमती हुण कोई बचा दा ढंग नहीं नजर आउंदा अज आपां गिरफ्तार हो जावांगे महाराणी जी अगे मैं उदास हुंदी सां ते तुसी हौसला तुसी कई वार मैनू गुरबाणी दे प्रमाण दे के दस्या है भी जिथे इंसान दा कोई साथी ना होवे उथे परमेश्वर मदद करदा है जां को मुश्किल अत बने अत मुश्किल कहड़ी हुंदी है जिहदा मनुख कोल इलाज कोई ना होवे जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना साख भी भज खले भजे सबे आसे चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म ते लगे न ताती वाओ ताती वाओ न लागी पार ब्रह्म महाराणी जी अरदास करिए बिरछ ते पंछी बैठा होए शिकारी ने निशाना तकिया पंछी वेखदा मना शिकारी मेरा शिकार करूगा उड़ के जान बचा लवा जां आकाश वल ध्यान कीता उड्डण लई ते उत्ते बाज फिरदा शिकारी ते छड्डिया पंछी ने फिर तरला लिया परमेश्वर दा जदों कोई वाह ना जाए उदों परमेश्वर वल बंदा ध्यान करदा हिंदी दे कवि दी कविता उह कहिंदा उड जान की बात सुजान कहूं नर काड कमान किया सर रे फिर ऊपर ही ऊपर बाज फिरे वहां कौन सहाय बिना हर रे जदों परमेश्वर दा तरला लिया एदी कूक सुनी गई दरगाह विच सप निकलिया उन्हें शिकारी दे पैर ते डंग मारे क्यों शिकारी शिकारी दा ध्यान धरती वल नहीं सी शिकारी तरब गया ओदी कमान चो तीर निकल गया पर वो तीर निशाने उखड़ गया वो बाज दे फरां विच जा वजिया हीड़ी के पाओ भजंग डस्यो छुट बाज के बन लगा फर रहे समझाए रही कपटी मन को जपयो जिस हार तिस क्या डर
इन्हां ने अरदास कीती, इन्हां दी पुकार सुनी गई। साहिब गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने हाथी की शिंगार, हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताए, चीठी की शिंगार पहले ही सुनियत है। कुदरत ने इमदाद की, जोर दा मीह अंधेरी आ गया। पुलिस दे कर्मचारी जिथे खड़े थे उथे ही खड़े दे खड़े रह गए। ये उस झाड़ थल्यों निकलियां जिधरों पुलिस दा रौला नहीं सी उधर नूं नसियां, ते काल नाल नसदियां नसदियां कंडे ही पैरां च वजे। अगे पहाड़ी आई, पहाड़ी ते चढ़दियां अगले पासे उतरदियां दोनों दियां पैरां च तिखे जख्म पत्थर वज के ते जख्म हो गए। एक गुफा सी, उस गुफा च वड़ के बह गई। इस गुफा च रहण वाला निर्मल प्रकाश साधु वेखदा है भई दो परियां जनानियां मेरी गुफा च किवें आईयां। वो सवाल करदा, देवियो गुरुदेव का नाम लेकर तुमको पूछता हूं आप कौन हो। महाराणी ने बड़े गौ नाल उहदे वल तकिया। वो कहिंदी, महाराज असी दो फकीर दियां भैणां है, बिपता दियां मारियां, झाड़ा बेलियां विच सिर लकाउंदियां, तुहाडी गुफा दा आसरा लिया है, तिना दिन दियां भुखियां पियाईयां है, सानू कुछ खाण नूं दिता जाए ते फिर मैं इस शर्त दे दसांगी मैं कौन है, पहला तुसीं दसो तुसीं कौन। साधु ने एक काले विचों इन्हां नूं छोलियां दे दाने पुजे हुए कोई जंगली फल फ्रूट दिता, अपनी चिप्पी विच गंधक नदी तो पानी लिया के दिता, इन्हां फल फ्रूट खादा, वह पानी पीता, ते गुफा दे विच सी एक अगन दा कुंड। उदासी साध जिथे रहिंदे ने उत्थे अग्नि दा कुंड जरूर हुंदा है। साधु ने कुंड फोलिया, उहदे उत्ते दो लकड़ां धर के अग बाली, ते कुंड दे एक पासे महाराणी जिंद कौरां ते गोमती गोली, ते दूसरे पासे निर्मल प्रकाश साधु। इन्हें फिर उही सवाल किया भई देवियो गुरदेव का नाम लेकर पूछता हूं आप कौन हो। महाराणी ने फिर यो जवाब दिता, महाराज उन्ना चिर मैं नहीं दस सकती मैं कौन है जिन्ना चिर तुसी ना दसो तुसी कौन जे। ते ए फिर साधा वालियां त्याग दियां गल्लां करन लगा भई साधु घर काट अंग साख छड के जायदाद भैन भरा मां प्यो सब कुछ छड के साधु हुंदा है, इहदा दुनिया दे लोकां नाल मायक पदार्थां नाल कोई सीर नहीं हुंदा, मैं की दसां भई मेरा घर कित्थे है। महाराणी कहिंदी है, महाराज मैं नहीं पुछिया तुहाडा घर कित्थे है, जो भी इंसान संसार ते आया है वह मां दे पेटों जन्म लैके आउंदा है, मीं च नहीं कोई वड़दा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भी बयान देंदे कहिंदे, यही काज धरा हम जन्मंग, किसे सतपुरश का इतिहास पढ़ो आखेगा मैं जन्म लिया, यही काज धरा हम जन्मंग समझ लिहो साधु सब मनमंग। मेरा सवाल यह है भाई जिथे तुसा मां दे पेटों जन्म लिया है कोई वह भी थां ते आया ना, साधु कोई वालछाल ना कर सकिया, उन्हूं दसना पिया साधु ते महाराणी दे जवाब सवाल की होए सुनो। इस डिठा गुफा च आ गए साधु बैठी गोली राणी निमो चाणी, वेंदे सार हैरान हो गया एक ही अजब कहानी जाए न जानी। जी राणी साधु ताई तका के दिल विच लेखे लावे क्या सुड़ावे, सूरत शक्ल पंजाबियां वर्गी मेरे मन नू भावे प्यार जितावे। ओ राणी ताई पुछन लगा बेबल दशा तुम्हारी बड़ी खुआरी, किस कारण हो फिरो इस तरह वेच उजाड़ा पारी की दवतारी। जी राणी कहिंदी आप ते पहला अपना पता बताओ ते समझाओ, कौन वेश की नाम तुम्हारा दुश्मन के मित्रा हो न करो नुकाओ। सवाल बोलिया साधु हम जोगी सन्यासी पे उदासी, छोड़ दिए है मित्र वैरी तोड़ जगत की फांसी हासने आसी। फिर भी पाने वेच अकाल दे जन्म जहां है पाया माई जाया, उस देश दा नाम ठाम जी चाहिए पक बताया क्यों चिर लाया। चार कोड़ दा इस इलाका देश पंजाब हमारा सबसे न्यारा,
ਗੁੱਗੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਟਿੱਕਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਵਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਧੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡੇ ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਭੈਣ ਯਾਰੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਫੌਜੀ ਜਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸੱਚ ਅਲਾਈ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਸਰ ਨਰਾਈ ਨਾਮ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਈ ਮੁਖੋਂ ਬਗੋਈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਦੀ ਆਤਰ ਹੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਮੁਖੋਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਸ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਲੀ ਭੰਬਾ ਕੇ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੀ ਪਾਈ ਫੁੱਟ ਵਰਾਨੀ ਸੋ ਸੁਜਾਨੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਹੋਈ ਸਫਨ ਸਫਾਨੀ ਵੱਜੀ ਕਾਨੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਕ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੈ ਖਾਦਾ ਸ਼ਿਮਾ ਪਰਾਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿੰਦੜੀ ਲਾਵਾਂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਮਰਜਾਦਾ ਲੈ ਲੋ ਵਾਦਾ ਮੋਹ ਸਾਧੂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਓ ਨਾ ਚਿਰ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਨਪਾਲ ਅਸਾਂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਨਪਾਲ ਤੁਰਦਾ ਪਾਲਾ ਗੁਰਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਫੁਰਦਾ ਜਾਵੇ ਖੁਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਰਾਣੀ ਗੋਲੀ ਰੋਈਆਂ ਬੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਮਨਾਰਾ ਟਹਿ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਪਣ ਮੁੜੀਆਂ ਮਿਲਨ ਨਾ ਟੋਈਆਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਕਈ ਨਾ ਜਾਏ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਿਲੀ ਸਹਾਏ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਓਲੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਾਈ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੇ ਬਣੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਗਰ ਉੱਗੋ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅੜਦਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਪ ਤਰਪ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਧੂ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੜਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਹੋੜ ਦਲੀਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਾੜ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਹੈ ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਝਾੜਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਕ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਰਦਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਲਏ ਸੰਤਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੋ ਚਿੱਪੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਬਲ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖ ਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਵਰਗੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨਮੂਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਡਬਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦੋ ਢਾਈਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਗੋਮਤੀ ਮੀਲ ਮੀਲ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਆਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਪਈਏ ਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਚਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੋਕੇ
उन्होंने सवाल किया तुसी कौन जे। महाराणी ने अनुमान लाया नेपाली भेख दे सिपाही ने, महाराणी जंग बहादुर दे सिपाही ने, गल सची दस दे ते मेरी इमदाद करनी। महाराणी ने सचो सच दस दिता। तिना सिपाहियां ने घोड़िया तो उतर के रुखां नाल घोड़े बधे, बालण इकट्ठा किया, संस्कार का यतन किया। एक सिपाही ने घोड़ा दौड़ाया, इथों चार कमील ते महाराणी जंग बहादुर के तंबू सन, वह अपने शहर काठमांडू तो इस खेडन आया होया सी। उन्हें जाके खबर दी महाराणी जंग बहादुर ने एक पालकी ते छे सिपाही भेजे। उस पालकी विच बिठा के महाराणी जिंद कौरां नूं जंग बहादुर के दरबार विच पेश किया गया। महाराणी फटियां हुई लीरां विच झोली अड के पनाह मंगदी है ते रोटी का सवाल करती है। सुनो इस पहुंची विच नेपाल दे जाके राणे दे दरबार, अबला होई न्यासरी मेरी सुन ले हाल पुकार, मेरी सुन ले हाल पुकार। राणी सिंह रणजीत दी वे, मैं राणी सिंह रणजीत दी जीतों डरदा सी काबल कंधार, किस्मत हारा दे गई कहिंदी, किस्मत हारा दे गई अते होनी कर गई वार, हीरे कर दी दानसा मेरे दर ते खड़े पिखार, मेरे दर ते खड़े पिखार। रेशम जरी खंडावदी मैनू चुकदा सी सब संसार, कपड़ा मिले ना पाउण नूं पई पाउण नूं, अज कपड़ा मिले ना पाउण नूं, कोई दर दर फिरा खुआर, सब जग वैरी हो गया, कोई देंदा नहीं सत्कार, कोई देंदा नहीं सत्कार। मंगिया भीख ना लभदी इस दुनिया दे विचकार, शरण तुसां दी आ गई, अज शरण तुसां दी आ गई। मेरे बन जाओ परवरदगार, मेरे बन जाओ परवरदगार। महाराणा जंग बहादुर ने रब तरसी पनाह दे दी, अपने शहर काठमांडू आ गया। विष्णुमती दरिया के कंढे उते महाराणी वास्ते एक महल पवा दिता। 1200 रुपया महीना खर्चा नियत कर दिता। नौकर चाकर गोलियां बंदियां रख दित्तियां। राज महलां दे सुख प्राप्त हो गए, पर दुख की है, पुत्र विछोड़े दा। रात नींद नहीं आउंदी, दिने आराम नहीं। पुत्र दी याद विच घड़ियां पल गिण गिण के समा बतीत करदी है। पुत्र विछोड़े दा किहो जिहा दुख है, जिहड़ा मनुख दी सहन शक्ति तो बाहर है। बड़े बड़े मजबूत हिरदे जिहड़े है ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਾਵਣ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਦ ਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਹਿਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਸਮ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਸਮਾਨ ਸੰਤਾਪ। दुनियावी दुखां चो को दुख है वह पुत्र दे विछोड़े दा, कोई सुख है ते वह पुत्र दी प्राप्ति दा। राजे दशरथ अयोध्या दे राजे ने अपने पुत्र
त्रेते दे अवतार भगवान रामचंद्र नूं 14 साल का बनोबास दे दिता है। कथा बड़ी लंबी है कि क्यों दिता ते कादे लई दिता। इन्हें नाल एक सियाणा वजीर घल्लिया भई जंगल विचों जाके ते जंगल की रसम भी बनवास की रसम भी अदा हो जाएगी, तू अपनी किसी सियाणप नाल सवेरे इन्हां नूं वापस लै आई ते मेरी जिंदगी बच रहेगी। भगवान रामचंद्र ना मन्ने, नहीं आए। मंत्री ने सवेरे रथ खाली लिया ते राजे दशरथ ने खाली रथ वेख के प्राण दे दिते। सो बेनती कर रहा सां भई पुत्र विछोड़े दे दुख जेड़े है ये मनुख की सहन शक्ति तो बाहर है। महाराणी जिंद कौरा पुत्र विछोड़े विच नेपाल की धरती च जिंदगी दे दिन बतीत करती है। सुनो इसका विष्णुमती दे कंडे महल पै गया जालमां दा सीस उत्तों डर लै गया पार्वती मेहर पुरखिया कालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया लगिया बेअंत गोलियां ते बांदियां होर तकलीफां सबे रहियां जांदियां बाकी इक रह गई जी बाकी इक रह गई पुत्तर दी पालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया अनेक दिल च बनावदी पांदियां दे कोलों पुछणा पवावदी दसो मुझ दे दलीप दा की हाल आ कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया करके खर्च पी करके खर्च कोलों बेहसाब नो आदमी कई तोर बैठी आ पंजाब नो आके ना किसे दस्या हवालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया रात रोकियां दे विच बीतदा भोग दिए फल गोरे दिया नीतदा दे अनेकां दिल च उबालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया चल के महल ते जदों तकाउंदी ऐ दिसे ना दलीप ते मुखों लाउंदी ऐ सिरथ वांग मरा मार छाड़िया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया पुली पटकी जे कदे उंगी आवदी सुपने च गले पुत नूं लगावदी कहिंदी छड के न जाई हुण मेरे लालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया सी वसार मौजनू क्यों चन वे अखियां दे तारे जिंदगी दे बन वे तेरे बाज होगी सोनिया कंगालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया उच्ची उच्ची रात एदा बरड़ांदिया सुन के ते शोर बोलिया जगांदिया जागदी जा फेर होंदी बेहालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया पै गया पल्ले पी पै गया पल्ले रोवना गोमेश दा नरका समान जीवना कलेश दा ने दिता अखियां नूं गालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया ओदी चिखा साड़दी शरीर नूं सीने विच खांदी बिरहोंद तीर नूं इसे तरां बीत गया अनेक सालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया पुत्र विछोड़ा पई पुत्र विछोड़ा जिंदगी नूं खा गया उमर जवानी ओई उमर जवानी च बड़े पाया गया दुद हो गए सिर देने वालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया जी इस थां जिंदा नूं छड़िए लाहौर शहर विचों आ दलीप कढ़िए करदे फरंगी जी करदे फरंगी इस दे की नालिया कटदी दिहाड़े विच हीन पालिया। महाराणी जिंद कौर नेपाल की धरती विच जिंदगी दे दिन बतीत करती है। 10 साल दे पुत्र नूं छड़ के गई है। महाराजे दलीप नूं रात छाला मार बाग विच रखिया गया। सवेरे राज महला च उदों लियांदा जदों महाराणी नूं लै गए। ये बड़े चा नाल उस महल विच आया
जिथे इनू चा सी भी मां की गोद प्राप्त होगी। महल खाली है, दूजा महल वेख्या, तीजा वेख्या, किते मां दे दर्शन नहीं होए। नौकरा चाकरा ते गोलियां नू पुछिया, मेरे माता जी किथे आ? जिन्हू पुछदा है उहदियां अखां चो हंजू वग पैंदे ने, जवाब कोई नहीं मिलदा। मासूम बच्चा सी पुब्बा मार के रोण लग पिया, रोंदिया रोंदिया बेहोश होके धरती ते डिग पिया। इनू जोर दा बुखार चढ़ गया। हैनरी लारंस नू सद्या, उन्हें डॉक्टर सद के सेवा आरंभ की। महाराजे दलीप सिंह नू होश आई। हैनरी लारंस ने उन्हें दिलासा देने का यतन किया, काका रोन, तेरी मां ने तेरा राजभाग गवाया है, जिवें शाह मोहम्मद ने लिखिया है। पिता तेरे राज की राखी करना है, तू 16 साल दे होके ते लाहौर दे राज तख्त ते बहना है, पर बच्चे वास्ते राज तख्त की है? प्रोफेसर मोहन सिंह जी एक कविता लिखी है, वो कहिंदे ने, मां जिया कण छावां बूटा मैनू नजर ना आए, लैके इस तो छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। बाकी सब दुनिया दे बूटे जड़ सुकियां मर जांदे, आ पर फुलां दे मर जाया ए बूटा सुक जा। मासूम बच्चे का जवाब है, मैनू मेरे माता जी कोल छड आओ, मैनू राज भाग दी लोड़ नहीं। आखरे दे दुआले वातावरण इहो जिहा पैदा किया गया भई ये मां नू भुल जाए। डॉक्टर लाजन की ड्यूटी लाई भई ईसाई विद्या इनू पढ़ा, सिखी धर्म भुल जाए। डॉक्टर की लाजन लाजन की मर्जी नाल फतेहपुर सीकरी लाहौरों कढ के महाराज दिलीप नू लै गए। इत्थे ईसाई विद्या दित्ती गई, सिख कोई सेवक नाल नहीं रहन दिता, ईसाई सेवक नाल ला दिते। महाराजा दलीप सिंह जिन्हू 3 लाख रुपया सालाना पेनशन मिलती सी, वह पैसे मन मर्जी नाल खर्च दे। उम्र थोड़ी थोड़ी वड्डी होण लगी है ते परोवाल दे आए नवे अनुसार, बड़ी लंबी गल है जे दसां परोवाल दा अहदनामा की सी। परोवाल दे आए नवे अनुसार 16 साल की उम्र दे होके ते इहने लाहौर दे राज तखत दे मालक बनना सी, पर इहनू 16 साल की उम्र होण तो पहला ही इहनू सिखी धर्म तो गेरिया गया भई सिख वाह वैला ना करन। यह 16 साल का हो गया, इन लाहौर के राज तख्त पर बिठाया गया, इनू ईसाई धर्म में लिया गया। ये लंबे लंबे केस सी वह मना दिते गए, सोने के डब्बे विच बंद करके मलका विक्टोरिया ने तोहफा भेजा गया। ते उस 16 साल की उम्र तो 4 महीने पहले ही इनू वलैत नू सैर करके करन किवें भेजा गया, यह इस कविता विच सरवण। देवे बलबुद सद गुरु मैनो कथा अगेरे गावा, दुनिया युते खैन पुता नू मावा ठंडिया शावा। मिल जावे पुत्र नू पावे दुनिया दी सिकदारी, फिर भी मां दे प्यार बराबर पुजदी नहीं इनकारी। कवर दलीप सिंह नू मां दा प्याव छोड़ा, खाके कशी जमीन ते डिगा दिल कट होया थोड़ा। होई जा फिर दूर बेहोशी होश परत के आई, उब्बा मार के रोन लगा पाई हाल दुहाई। पर उस यतीम दे उत्ते तरस किनू सी आउणा, किसने प्यार दिलासा करके है सी चुप कराउणा। लगे देण तसलियां गोरे झूठे लाला लारे, पोला पंछी फों दी खातर की फंद खलारे। तीजा तलीम पछमी सिखी धर्म भुलाया, लग फतेहपुर कड लगा उल्टा सबक पढ़ाया। बंदा दे भी उल्टी अनेक नवियां गल्लां करके, मां देना तो नफरत हो गई गैरां हथी चढ़ के। माणे बोध ते असर हो गया गोरे खुशी मनाई, 5 साल दे बाद महाराजा होया
ਆਇਆ ਪਿਸਾਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵਲੈਤ ਦੇ ਕਰੀ ਦਲੀਪ ਤਿਆਰੀ 1654 ਸੰਮਤ ਮਾਇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਾਇਆ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਹਾਜੇ ਗਿਆ ਚੜਾਇਆ ਗਾਣੇ ਨਾਚ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਲੈਤ ਦੇ ਰੁਝਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਰਾਜ ਕਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਗੁੱਜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰ ਨੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਝੂਠ ਨੀ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਓ ਗਦਰ ਖਿੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਡਰ ਗਏ ਇਸ ਗਦਰ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗ ਹਵਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਦਲੀਪ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਭੇਦ ਸੁਭਾਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਸਭੇ ਨੇ ਆਏ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈਓ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਪੰਨੀ ਖੇਡ ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਤੁਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਸ਼ਪਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ 1757 ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਿਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਾਈਆਂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ 8000 ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਬਰੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਈਏ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਬਗੈਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਲੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ 8000 ਰਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਥ ਗਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਏ ਰਾਜੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੋਬੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਲੈਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਹੀ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤੀ ਨੌਕਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਆਖਰ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 51-52 ਸਾਲ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਘਾਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 50-51 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਘਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਟੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ, ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂਮਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਛਾਮਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਲੰਮੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛਾਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਮਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵਲੈਤ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮਲਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂਮਤੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਰੁੜ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਢਾਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹਦੀ ਅਮਦਾਦ ਨਾਲ ਛਾਮੋਂ ਗੋਲੀ ਨੱਸ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਹ ਗੋਮਤੀ ਨਾਲ ਛਾਮੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ। ਵਿਸ਼ਨੂਮਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾਮੋਂ ਗੋਲੀ ਤਾਈ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ ਨੋ, ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਫਾਵੇ, ਛਾਮੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਛਾਮੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਜਿਤਨੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਦਸਾਵੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਣੀ ਸਖਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਪੈੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਵੇ, ਦੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸੇ ਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਮਿੱਤਰ ਵੈਰ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਗ ਜਰੀਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਡੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਪਰੇ ਪਰੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਵੇ, ਡਿੱਗੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਰਦਾ, ਟੇਡੇ ਡਿੱਗੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ
ਗੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਠਾਵੇ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਨਈਆ ਡਗਮਗ ਡੋਲਦੀ ਰੋੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਣੇ ਚੱਪੂ ਕੌਣ ਲਗਾਵੇ ਰਿਆ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਗਤ ਜਲੰਤਾ ਲਾਂਬੂ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤਾਈ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹਾਏ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਚਿੰਗੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੰਗੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ ਅੜੀਏ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪਾਪਣ ਮੈਥੋਂ ਮੁੱਖ ਛੁਪਾਵੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਰਾ ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਬਾਸਪਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਧਾਵੇ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੋਣਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਕਰ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੋਣਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਰੁਆਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਣੀ ਵੈਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆਣ ਕੇ ਫੜਾਵੇ ਫੜਾਵੇ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆਣ ਕੇ ਫੜਾਵੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਟੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਠੇਡੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਇਹਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਭਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਅਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਰਾਣੀਗੰਜ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣੀਗੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਾਣੀਗੰਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਮਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਪਰਸ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਦਿੱਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੱਸਿਆ ਕਾਫਲੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਇਉਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਗਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅੱਖੀ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਕੰਢ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੜੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ
चेहरे ते दाढ़ी है नी, गल कृपान है नी। इथे मां पुत्र ने किनिया गल्लां कीतियां, सुनो मां पुत्र दा मिलाप किवें हुंदा है इस कविता। बुरा साल विछोड़े दा हरदम करक कलेजे पैंदी, पर्वत नों दूर गया दी दिल विच तांग हमेशा रहिंदी। आसां नाल जीवी दा मर मर सदा निराशा जाए, विछड़े मां पुत्र दे मेले कुदरत फेर कराए। नूं तह कर दी जिंदा राणी गंज कोल आई, नसिया वल माता दे कवर जा उड़दी धूड़ तकाई। जिगा विच गोदी दे मुखों मां दी शब्द अलाए, विछड़े मां पुत्र दे मेले कुदरत फेर कराए। मथा चुम राणी ने, मथा चुम राणी ने लाल नो छाती नाल लगाया, जन्मा दे कंगले ने मानो जिवें खजाना पाया। खुशी तुलवी दा है अंदाजा कौन लगाए, विछड़े मां पुत्र दे मेले कुदरत फेर कराए। दुवली ने ठाठा मार दिले सागर, उमड़े जो कटकाली बनके विच आकाश उजागर। चरिया जो सौण दिया बदल नैणा ने बरसाए, विछड़े मां पुत्र दे मेले कुदरत फेर कराए। गम फिगरा सोगा दी, गम फिगरा सोगा दी जांदी पत चर नजर न आई, सदरा दिया बागा ते खेड़ा फेर बसंत ले आई। आसां दिया कोयलां ने नगमे चूम चूम के गाए, विछड़े रूप मलाप दखोगी इस खुशी दे विच आके, वगनो पौण विच अट खलोगी। उठ-उठ के वेला ने बिरशां नाल कलावे पाए, विछड़े मां पुत्र दे मेले कुदरत फेर कराए। पंछी डाला ते, पंछी डाला ते जुड़ के एक दूजे नाल बह गए, पौधे भी चुग चुग के गोदी बिरशां दी विच पै गए। जमीन पंखेरू जो सबे देन वधाइयां आए, विछड़े मां पुत्र दे मेले कुदरत फेर कराए। जीवन जी जिंदगी में जिसदा विछड़िया ना जीए, जिसदा विछड़िया ना जीए, दसो उस बंदे नू हुंदी कदर मलाप दी की है। कीता दुनिया नू प्रेम ने अपना जाल विछाए, प्रेम ने अपना जाल विछाए, विछड़े मां पुत्र दे मेले कुदरत फेर कराए। मां पुत्र कलकत्ते आ गए, इत्थे तीन क महीने रहे, ते अफरीका दी बगावत दबाउण वास्ते पंजाब चो अंग्रेज सिख फौजां लगिया। कलकत्ते दी बंदरगाह तो इन्हां जहाजे चढ़ना सी, इत्थे इन्हां नूं कुछ दिन अटकना पिया फौजां नूं। इन्हां नूं पता लगा फौजी सिपाहियां नूं भी महाराजा दलीप सिंह कलकत्ते आया है, ये अपनी अफसर की मर्जी तो बगैर ही कुछ सिख सरदार महाराज दलीप सिंह नूं मिलन चले गए। इन्हां सिख राज जाण दा अफसोस किया, उहदे ते सवाल किया तुसां पंजाब कदों आउणा है, कई गल्लां बातां होर कीतियां। इन्हां दे अफसर नूं पता लगा कि मेरी इजाजत तों बगैर चले गए है। अफसर ने मलका विक्टोरिया नूं तार दित्ती भई दलीप सिंह दा हिंदुस्तान दे किसी सूबे विच वी रहना खतरे तों खाली नहीं। मलका विक्टोरिया ने वापस सद लिया, मां नाल सलाह करदा, माता जी मैनू मलका विक्टोरिया वापस सद लिया, तुहाडी की राय है? मैं इनकार नहीं कर सकता, उहदा कारण है पर मैं लखां रुपयां की जायदाद उत्ते खरीदी है, जे ना करदिया तो जब्त हो जाएगी। मेरी 3 लाख रुपया सालाना पेनशन है, जे ना करदिया तो जब्त हो जाएगी। फिर भी मैनू किसे रहन नहीं देना, गिरफ्तार करके हथकड़ियां बेड़ियां विच जकड़ के लै जाणगे।
इस करके मैनू जाना पैना है, तुहाडी की राय है पुत्र, मैं तेरे तो बगैर जिओ नहीं सकदी, जिथे तू जाना उथे मैनू लै जा। महाराजा दलीप सिंह बिरध माता नू लैके इंग्लैंड चला गया। मलका विक्टोरिया नू पता लगा भई मां नू नाल लिया है, मां दी शरीर हालत दा भी पता लगा भी अखां तो अन्नी है, सिर दे वाल दुध चिट्टे ने, मां साडा नू छड गया है, सेहत बड़ी कमजोर है, पर मलका विक्टोरिया नू महाराणी ते तरस नहीं आया। उन्हें मां पुत्रां नू 12 मीलों की विथ ते कर दिता, ते मलका विक्टोरिया की इजाजत तो बगैर कट्ठे नहीं हो सकते, एक दूजे नाल जबान नहीं साझी कर सकते। महाराणी जिंद कौर नू अगे पुत्र विछोड़ा सी, हुण देश विछोड़ा ते पुत्र विछोड़ा, दो तकलीफां हो गई। इंग्लैंड की ठंड ये मुआफक बीमारी नाल महाराणी जिंद कौर अखीरलिया सवासा ते आ गई। इन्हें कई सना अपने पुत्र नू कले मिलने वास्ते तारां दित्तियां, चिट्ठियां पाईयां, जरूरी आदमी कले। मलका विक्टोरिया इजाजत नहीं देंदी, जदों उन्हूं यकीन हो गया भी महाराणी जिंद कौर की जबान बंद है, उहदे सवास इक तों आउंदे आ, इक तों आउंदे आ, वह घड़ियां पलां की प्रौणी है, उन्हें इजाजत दे दित्ती मां दे दर्शन कर ले। पुत्र मां कोल आया, मां की हालत वेखी, भुब्बां निकल गई, मां की छाती ते डिग पिया। पुत्र की आवाज मां दे कन्नां विच पई, पुत्र की आवाज सुन के जबान ने साह दे दिता। महाराणी चार गल्लां पुत्र नाल करके असार संसार छड्दी है। सुन वेख ला के छाती दे नाल जिंदा कहे दलीप नूं, चन्ना मेरी अंतली पुकार वे, यार न गठड़ी लैके चली दुखा दी, मेरी रूते है तुलवा कोई पार वे, जिंदगी दे विच लाइया केई बाजियां, आउंदी हर पासे तो रही मैनू हार वे, हारी वांगर तुर चली गथ चाड़ के, जाके पाशपति दे करसा हाल पुकार वे, गोरिया रखी मेल मलापना, तेरा राज पागे जालम गैड कार वे, लालिया साडे जो जो एना जालमा, गिन गिन लवी उतार वे, राज भाग लई रल के वापस सिंगाना, बैठा रही न लंदन दे विच पैर पसार वे, अमृत मुड़ के सिंह सजी दसमेस दा, पिता मां दा जो धर्म तेरे दरकार वे, सिख कराने दे विच कर ली शादी नो, वड़े फुले ते खिड़े तेरा परिवार वे, मरन लगी दे करने नेत्र बंदना, धरती गैरां दी ते हंजू पले न तार वे, मेरी चिखा बनावी पति कोल समाद दे, के साथ बंदी कर देवी पंजाब नू मेरी नमस्कार वे, जीवन सिंगा राणी फते बलागी आखरी, गल्ला नाल पुत्र दे ए करके दो चार वे। महाराणी जिंद कौर पुत्र नाल दो चार गल्ला करके पुत्र करके, पुत्र अंग्रेज तेरा दुश्मन है, किसी अंग्रेज लड़की नाल शादी ना कराई, इत्थे ही ना पैर पसार के बह रही, वापस पंजाब जाण दा यतन करी, अपने देशवासियों नू नाल लैके अपना राज भाग वापस लैण दा यतन करी। मैं सदा लई तेरे नाल विछण लगी हाँ, मेरे मरन लगी दियां अखां ना बंद करी, क्योंकि अखां बंद करन लगे अखां चो पानी वगदा है,
ते दुश्मन की धरती ते मेरिया अखां दा पानी ना डुली। महाराणी जिंद कौर सदा लई पुत्र दा साथ छड गई है। एदी अगली जड़ी गल सी, आखरी गल सी, भई मेरी लाश जड़ी है वो रोले ना इंग्लैंड विच, इनू लाहौर शहर जाके मेरे पति महाराजे रणजीत सिंह दी समाध दे लागे चिखा बना के साख संबंधी साल के मेरा संस्कार करी। मलका विक्टोरिया तो इन्हें इजाजत मंगी, 3 महीने इजाजत मांगे मंगदे लग गए भी मैं माता का संस्कार लाहौर जाके करना है। डॉक्टर को राय लै के लाश संभाली, 3 महीने इजाजत मिली, लाश लैके इंग्लैंड तो तुरिया बंबई की बंदरगाह ते आया। उडीक भाई कुली आवे तो समान लावा, इन्हें चिर नूं कप्तान आ गया बंदरगाह का, उन्हें नंबर वेख्या कमरे का, उन्हें सवाल किया महाराजा दलीप सिंह आपका ना है? मैं कहा हां। फिर तुहाडे वास्ते इजाजत आ भी तुसी अपनी मां का संस्कार बंबई के किसी इलाके विच कर सकते हो, लाहौर नहीं जा सकते। बड़ा गुस्सा आया, इन्हें क्या कप्तान साहब मैं मलका विक्टोरिया को इजाजत लेके आया, उसकी लिखत मेरे को कहो तो दिखा दें। वो बड़े ठरमे नाल कप्तान बोलिया, कहिंदा महाराजा साहब मैनू तुहाडे नाल कोई जाति दुश्मनी नहीं, मैनू भी मलका विक्टोरिया दे हुणे हुणे तार आई है भई दिलीप अपनी माता का संस्कार पंजाब नहीं जाके कर सकता। कोई पेश नहीं सी जांदी, बंबई विचों ही चंदन खरीदिया, नर्मदा नदी के कंढे उत्ते माता का संस्कार करके वापस गया। अगों की होया अगों टाइम इजाजत नहीं देंदा अर्ज करिए। सो इन्हां शब्दां नाल ही असी समाप्त करते हैं। मैं अर्ज किया सी, आरंभ इथों किया सी, हर की गत न को जाने, जोगी जति तपी सब हारे अरबो लोग सियाने, छिनमे राओ रंक को कारी राओ रंक कर डारे, रीते परे परे सखनावे ये ताको बिहारे, अपनी माया आप सारी आपे देखण हारा, नाना रूप तरे बो रंगी सब ते रह निरारा, अगणत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो, सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहे चित लायो। सत श्री अकाल।